और मेरे ट्रांसप्लांटेशन को आज 26वां दिन है। बाल मेरे जनरली तब झड़ते हैं जब मैं मिनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ, तो कॉस्ट के ऊपर आता हूँ मैं तो मेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज मेरे ट्रांसप्लांट का 26वां दिन है, मुझे ट्रांसप्लांट कराए हुए 26 दिन हो चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को अपनी कंडीशन दिखाने आया हूँ। और कॉस्ट के बारे में भी कई लोगों के क्वेश्चंस थे प्रीवियस वीडियो में, मैं देख रहा था बहुत लोगों ने कॉस्ट के बारे में पूछा है। मैं आप लोगों को आज कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि मेरे ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट कितना आया और इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट कितना आता है। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेरी कंडीशन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा शेडिंग फेस आ चुका है, लगभग 40-50% मेरा शेडिंग फेस आ चुका है। मेरे काफ़ी बाल जो प्लांटेड हेयर थे वो झड़ चुके हैं। और मेरे ट्रांसप्लांटेशन को आज 26वां दिन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मेरी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई थी इस तरह से कुछ, और मेरे टेम्पल्स बनाए गए थे, आप देख सकते हैं टेम्पल्स के भी बाल मेरे निकल गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मेरा शेडिंग फेस आ चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ, बाल मेरे जनरली तब झड़ते हैं जब मैं मिनोक्सिडिल यूज़ करता हूँ या मैं सुबह शैम्पू यूज़ करता हूँ, तो मेरे बाल झड़ते हैं हाथ में, मेरे हाथ में काफ़ी बाल आ जाते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये शेडिंग फेस है। और शेडिंग फेस के बारे में भी कई लोग पूछ रहे हैं कि शेडिंग फेस क्या होता है। शेडिंग फेस में जनरली होता ये है कि जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो झड़ जाते हैं, और दोबारा कुछ टाइम बाद हमारे न्यू हेयर्स वहीं से ग्रो करने लगते हैं। और शेडिंग फेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स आपको पहले ही बता देंगे कि आपका शेडिंग फेस आएगा। वो कितने परसेंटेज पे आता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन शेडिंग फेस सबका आता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शेडिंग फेस के बाद आपके दोबारा बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं अभी जो मेरी कंडीशन है, अगर मुझे शेडिंग फेस के बारे में नहीं पता होता तो मैं काफ़ी घबरा जाता कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी ट्रांसप्लांट कराया है और अभी मेरे बाल झड़ने लगे हैं। तो इससे घबराना नहीं है, ये दोबारे आएंगे, मैं आपको आगे रिजल्ट अपना शो करता जाऊंगा जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो अब आते हैं कॉस्ट पे। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट थे कि कॉस्ट कितना आया प्रीवियस वीडियो में भी, तो कॉस्ट के ऊपर आता हूँ मैं। तो मेरा 20 से 25 रुपये के आसपास पर ग्राफ में गया कॉस्ट। तो जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो जब मैं क्लिनिक में विज़िट करने गया तो मुझे 25 रुपीज़ पर ग्राफ बताया गया कॉस्ट। तो फिर नेगोशिएशन करके वहाँ पर मेरे को लगभग 20 रुपीज़ पर ग्राफ पड़ा, और वैसे पर ग्राफ कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ ही है। और अगर क्लिनिक के बारे में कई लोगों को काफ़ी डाउट है कि तो क्लिनिक कहाँ पर है, क्लिनिक का क्या नाम है, तो क्लिनिक का नाम है हेयरमेट क्लिनिक, जो कि दिल्ली में है। जैसा कि मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक पहले ही विज़िट कर लिए थे, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कहीं पर मुझे 50 रुपये पर ग्राफ बताया, कहीं पर 100 रुपये, कहीं पर 20 रुपये भी पर ग्राफ बताया। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट जो है वो क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है, कोई एक फिक्स कॉस्ट नहीं होता है इसका। हर क्लिनिक अपने हिसाब से चार्ज करता है। हेयरमेट क्लिनिक में मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया है और वहाँ पर 25 रुपीज़ पर ग्राफ है जो चार्ज है। और काफ़ी क्लिनिक ऐसे हैं जो सस्ते में भी कर रहे हैं, काफ़ी क्लिनिक ऐसे हैं जो बहुत महंगे में भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो टोटली डिपेंड करता है आपके क्लिनिक पे कि आप कौन सा क्लिनिक चूज़ करते हैं और किस हिसाब से आपकी सर्जरी हो रही है, वहाँ की टीम कैसी है, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है क्लिनिक की तरफ से। तो ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट पे डिपेंड करती है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। और जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर दिन टच में रहता हूँ और क्लिनिक की तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट है, और जब भी मुझे कोई भी डाउट होता है, वैसे तो मुझे अब तक सारे डाउट्स मेरे पहले ही क्लियर कर दिए गए थे, लेकिन जनरली मुझे जब भी कोई भी डाउट होता है तो मैं क्लिनिक को टेक्स्ट कर देता हूँ और वहाँ से मुझे तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। और अगर मैं अपनी चोट की बात करूँ तो ये भी काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, और अब शायद एक हफ्ते में ये भी पूरी तरह से हील हो जाएगी। और इन शॉर्ट अगर कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में 20 रुपये पर ग्राफ से लेके 100 रुपये पर ग्राफ तक कॉस्ट आपकी जा सकती है, क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, हर क्लिनिक के अपने चार्जेस हैं। और कॉस्टिंग पे रिजल्ट आपका बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट आपका डिपेंड करता है कि आप किस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, वहाँ की टीम कैसी है, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट को टोटली डिपेंड करती है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। और मेरे जो ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आएगा मैं आपको शो करता रहूँगा, और मैं आपको अपना शेडिंग फेस दिखा चुका हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा दोबारा कि शेडिंग फेस से घबराना नहीं है, ये पार्ट है ट्रांसप्लांटेशन का। और मैं अपना बता दूं कि मेरे टोटल ग्राफ्स लगे थे 1500 ग्राफ्स मेरे लगे थे, और मेरा कॉस्टिंग इंक्लूडिंग मेडिसिन था 35,000, अराउंड 35,000 में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था इंक्लूडिंग मेडिसिन, और मेरा एक दिन में पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और कई व्यूअर्स मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि मिनोक्सिडिल कब तक यूज़ करना है, तो वो आपको लाइफ टाइम यूज़ नहीं करना है, वो क्लिनिक की तरफ से आपको गाइडलाइंस दे दी जाएगी कि आपको कब तक यूज़ करना है। मुझे 6 महीने का टाइम बोला है कि मेरे को सिर्फ 6 महीने मिनोक्सिडिल यूज़ करना है, उसके बाद मुझे मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं करना है, और मिनोक्सिडिल मुझे सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया पर यूज़ करना है। आप देख सकते हैं जो मेरा ये एरिया है जहाँ पर मेरा अभी शेडिंग फेस आ चुका है, इस एरिया में मुझे सिर्फ अपना
मिनोक्सिडिल इस एरिया में यूज़ करना है मुझे। और अब बात करते हैं पीआरपी पे। कई व्यूअर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका पीआरपी सेशन कब है, तो मैं बताना चाहूँगा मेरा पीआरपी सेशन है नेक्स्ट सैटरडे को। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को दिखाऊंगा कि पीआरपी कैसे होती है। और एक और क्वेश्चन मैं कवर करना चाहूँगा, कई व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि घर पे कितने दिन तक रहना है, तो मैंने तीसरे दिन से ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। और कई ये भी पूछ रहे हैं कैप, तो मैंने तीसरे ही दिन से कैप लगाना, वैसे मैं कैप तो डेली लगाता था, एक हफ्ते तक मैंने डेली कैप लगाई है। उसके बाद और जैसे ही मेरी क्लॉटिंग रिमूव हो गई सारी, उसके बाद मैंने कैप लगाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद कैप लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। और लेकिन जैसे अब मेरा शेडिंग फेस आ गया है तो मैंने दोबारा कैप लगाना स्टार्ट कर दिया है। और कैप आप लोगों को लूज़ लगानी है, टाइट कैप नहीं लगानी है। ये इस तरह का आप कैप लगा सकते हैं जिसमें पीछे से लूज़ और टाइट करने का ऑप्शन दिया रहता है। आप सिंपली ऐसे पहन सकते हैं, और मैं यही कैप पहन के ऑफिस जाता हूँ। और जैसे जैसे मेरा रिजल्ट आता है मैं आप लोगों को शो करता रहूँगा और रेगुलरली वीडियोस डालता रहूँगा। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।